जीवन उपयोगी कहानियाँ सुने वेद व्यास द्विवेदी के साथ। एक बार दो पहाड़ थे, एक चीनी का और एक नमक का। चीनी के पहाड़ पर एक चींटी रहती थी, नमक के पहाड़ पर दूसरी चींटी रहती थी। एक बार नमक के पहाड़ की चींटी और चीनी के पहाड़ की चींटी दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की। नमक के पहाड़ की चींटी ने चीनी के पहाड़ की चींटी को अपने यहाँ निमंत्रण दिया। चीनी के पहाड़ की चींटी जब नमक के पहाड़ की चींटी के घर पहुँची, तब नमक का भोजन करने को मिला, किंतु उसे लगा कि मैं नमक के पहाड़ पर जीवित नहीं रह सकती हूँ। इसलिए वह तुरंत नमक के पहाड़ की चींटी को अपने चीनी के पहाड़ के घर पर ले जाने का निमंत्रण दे के साथ में ले गई। नमक के पहाड़ की चींटी ने सोचा कि पता नहीं वहाँ मैं जिंदा रह पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैं कुछ नमक अपने मुंह में भर के चलती हूँ, जिससे कुछ समय तक तो मैं वहाँ रह पाऊँगी। यह सोचकर नमक की चींटी ने थोड़ा सा नमक अपने मुंह में दबा लिया और चीनी के पहाड़ की चींटी के साथ चीनी के पहाड़ पर गई। चीनी के पहाड़ की चींटी ने उसे घर पर चीनी का भोजन ऑफर किया। नमक की पहाड़ की चींटी के मुंह में पहले से नमक था और चीनी उसने लिया, लेकिन उसके स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब चीनी के पहाड़ की चींटी ने कहा, आप अपने मुंह से नमक निकाल दीजिए और फिर चीनी का स्वाद लीजिए, बहुत मीठा एहसास होगा, बहुत सुख मिलेगा। किंतु नमक के पहाड़ की चींटी थोड़ा कतराई, लेकिन फिर उसे निकालना पड़ा नमक को अपने मुंह से बाहर। और उसके बाद जब उसने चीनी का आनंद लिया, तब उसे लगा कि मैं भी काश यह चीनी के पहाड़ की चींटी बन पाती। दोस्तों, जीवनोपयोगी कहानियाँ हमारे जीवन को परिवर्तित करती हैं। हमारा भी जीवन ऐसा ही है। हम मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर सब कुछ भर के बैठे हुए हैं। बाहर से शास्त्र, गुरु, धर्म, मंदिर सब कुछ आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन अंदर से जब तक हम इनका त्याग नहीं करेंगे, वो नमक के चींटी की हालत में हम जीवन जी रहे हैं। हमें उस आनंद की प्राप्ति, उस आत्मा का बोध, उस परमात्मा का की अनुभूति, उस परमात्मा के प्रेम की अनुभूति नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि अंदर से हम पूरी तरह से कचरे से भरे हुए हैं। बाहर से झूठी प्रशंसा, झूठी निंदा, झूठा मान सम्मान, झूठी सुंदरता, झूठी वैभव विलासिता, आसक्ति के चक्कर में फंसे हुए होने के कारण इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन के अंदर जाके ये चिपक कर बैठ गए हैं सभी मत्सर, सब प्रकार के दोष, जिनके कारण हम बाहर से जो कुछ भी धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त तो होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी अनुभूति मन से, अंदर से हम नहीं अनुभव में ला पाते हैं। और यही कारण है हमारे दुखी रहने का, अपने मन से उस नमक की तरह उसका त्याग करने के बाद आप स्वयं इसका अनुभव करें और प्रभु आपको और हमें उस कल्याण पर मार्ग पर ले जाने के लिए उद्यत ही रहते हैं। केवल हमें उसको रिसीव करना है, हमको उसको अपने जीवन में उतारना है, लेकिन पहले इनका त्याग तो करें। ओम जय श्री द्वारकाधीशाय नमः।